दोस्तों आज बहुत ही यूनिक तरीके से पटल का चटनी बनाएंगे। शायद ही ऐसा चटनी कभी बनाकर आप लोग खाए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दो पटल लिए हैं चटनी बनाने के लिए। तो दोनों पटल को हमने छील कर और बढ़िया से धोकर ले लिए और एक पटल में चार भाग काटे हैं। तो यहाँ पे लाल मिर्च सूखा हुआ छोटा छोटा है, तो इसीलिए चार पांच लाल मिर्च ले लिए हैं और यहाँ पे एक गोटा लहसुन के कली को छिलकर ले लिए हैं। आप छिलके सहित भी चटनी में पीस सकते हैं। तो इसे हम फ्राई करेंगे तेल में। तो गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गर्म हो चुका तो उसमें हम सरसों तेल ले लिए हैं पटल को फ्राई करने के लिए। आप जो तेल खाएं उसमें फ्राई कर सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम पटल को डाल देंगे। इसे चलाते हुए बढ़िया से फ्राई कर देंगे। तो देखिए अलट पलट कर इस तरह पटल को सुनहरा कर लिए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। फिर इसी तेल में लाल मिर्च को डालकर फ्राई कर, अब मिर्च को भी सुनहरा फ्राई कर लिए, इसे भी निकाल लिए। अब लहसुन को डालकर फ्राई कर लेंगे। देखिए लहसुन भी अच्छा से फ्राई हो गया तो इसे भी हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर चटनी पीस लेंगे। तो देखिए चटनी पीसने के लिए यहाँ पे हम आम का अचार एक टुकड़ा ले लिए हैं। आम का अचार ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चटनी में थोड़ा सा खटासपन रहता है तो अच्छा लगता है। तो इसे मिक्सर जार में डाल लेंगे और डालकर इसे पीस लेंगे। तो देखिए यहीं पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे और थोड़ा सा चटनी पीसने के लिए पानी ले लेंगे। इसी में हम एक चम्मच सरसों तेल ले लेंगे। किसी भी चटनी में सरसों तेल का फ्लेवर अच्छा लगता है। इसको मिक्सर जार में डाल लिए, अब इसे चटनी पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों मिक्सर जार में पीस कर ले लिए पटल का चटनी, बहुत ही अच्छा पिसाया है, महीन पीसना है इसे। अब इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों झटपट पटल का चटनी बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल ही यूनिक तरीके से ये चटनी बना है। तो आप लोग भी इस तरह चटनी बनाकर खाइएगा और कमेंट कर बताइएगा कि मेरा पटल का चटनी का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा। चटनी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।